जो स्पाइन कुछ नहीं कर रही, सऊद शकील ने तो फिर डिलीवर किया, हम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने भी पैचेस में डिलीवर किया और अच्छे तरीके से डिलीवर किया, मगर बाबर आजम हु इज़ सेट टू बी द पिलर of the batting of Pakistan team, that pillar is shaking and shaking, and since last 15 innings he has not been producing any runs. क्यों ये बैट पैच है, कैसे ये बैट पैच है, कैसे वो उससे निकलेंगे, ये तो आगे इस पर बात करेंगे. एंड इवेंचुअली जो सारा मोमेंटम सेट किया था साइम ने और शान मसूद ने, वो सारे मोमेंटम को यूँ पैक करके साइड पे रखा, वो रन रेट को साइड पे रखा एंड पूरा मोमेंटम ऑफ हो जाता है. देन कम्स इन सलमान अली आगा, एंड सलमान अली आगा एक प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल बन के थोड़ा सा तेज़ खेलना शुरू करते हैं एंड फिर कहीं ऐसा लगता है कि हाँ जी पाकिस्तान टीम थोड़ी सी स्टेबल हुई है, बट नो, नॉट दैट मच. 274 स्कोर करता है पाकिस्तान एंड बारी आ जाती है जनाब बांग्लादेश की. जिस तरह बांग्लादेश शुरुआत करता है, शुरुआत में लगता है येस वी आर टोटली पॉइज्ड और हम इनको खेलने नहीं देंगे, हम इनको हिलने नहीं देंगे. 26 for 5 हो जाता है बांग्लादेश एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही 26 for 6 हो जाता है. हम कहते हैं यस, ये हमारे लड़के, हमारे बैटर्स ने चले थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर नीचे किया, बॉलर्स हमारे करके दिखाएंगे कमाल. एंड 26 for 6 से लेके 193, 191, 191 for 7 होता है. एक पार्टनरशिप लगती है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप ऑफ मेहदी मिराज एंड जिस तरह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आती है लिटन दास की, द क्रैम्पिंग लिटन दास. और वो क्रैम्पिंग लिटन दास जो हैं वो पाकिस्तान के बॉलर्स को क्रैम्प आउट कर देते हैं 26 for 6 से लेके, और जिस तरह 191 for 7 होता है, 7th पार्टनरशिप का एक रिकॉर्ड कायम होता है कि जब एक टीम अंडर 30 रन्स डाउन हो गई है विथ 6 विकेट्स, उसने कभी भी 150 की पार्टनरशिप नहीं की, 7th विकेट पार्टनरशिप. और 7th विकेट पार्टनरशिप का एक रिकॉर्ड कायम होता है टेस्ट में एंड बांग्लादेश टीम स्टार्ट्स क्रूजिंग अगैन. ये कहानी रही जिस तरह डे 3. उसके बाद हमारे बैटर्स फिर आते हैं, अब्दुल्ला शफीक अगैन अ वॉकिंग विकेट एंड विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट एंड इवेंचुअली हम नाइट वॉचमैन बना के खुर्रम शहजाद को भेजते हैं, वो भी यूं ही आते हैं, यूं ही चले जाते हैं. एंड सिलसिला मतलब फिर आज का जो दिन हुआ उसमें तो आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. क्या ये वो बैटर्स हैं जो रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, क्या ये वो बैटर्स हैं जो बाउंस बैक करेंगे, क्या ये वो हैं कि जिनको अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ललकारा जाएगा सो दिल रोर बैक. वेयर इज़ दैट कॉर्नर टाइगर्स अप्रोच? कौन पाकिस्तान के साथ एक नाम लगा था कॉर्नर टाइगर्स, कि इनको दीवार बिल्कुल कर देंगे, कोने पे इनको जितना प्रेशराइज करेंगे ये उतनी तेज़ी से बाउंस बैक करके आएंगे. आई एम सॉरी टू से दिस पाकिस्तान टीम डज नॉट हैव दैट पॉइस. वो वाली चीज़, वो अग्रेशन, वो बाउंस बैक करने की एबिलिटी, वो गुस्सा, कोई एक प्लेयर आपका गुस्से में नहीं दिख रहा था कि हमें XYZ ऊपर नीचे हर जगह से क्रिटिसिज्म हो रही है, सो हम प्रूफ करके दिखाएं फील्ड में कि ऐसा नहीं होगा. एंड राइट नाउ जिस तरह बांग्लादेश इज क्रूजिंग, बांग्लादेश T20 बनाकर उसने उन्होंने खेलना शुरू किया. खुर्रम शहजाद जिन्होंने 5 for लिया था उन्हीं पे अटैक किया कि पाकिस्तान टीम पर अटैक करो. एवरी टीम नाउ नोज कि टीम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो टीम पाकिस्तान क्रम्बल कर जाएगी, इनको जो करना भी आता होगा वो नहीं कर सकेंगे. सो यस, डिस्कशन करेंगे इसी आज के दिन के बारे में. शुक्र बैड लाइट हुई, बारिश हो गई, मतलब अब तो यही बात हो रही है कि वाइट वॉश से बेहतर है रेन वॉश हो जाए. कल भी बारिश प्रेडिक्टेड है, वही उसी राउंड अबाउट पे आके हम बार बार खड़े हो जाते हैं जहाँ बारिशों की दुआएं होती हैं. सो यस, बात करेंगे आज के दिन के हवाले से और कल हम क्या एक्सपेक्ट करें, बिकॉज कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता. जिस तरह बांग्लादेश की टीम खेल रही है, द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दे हैव, डिफरेंट किस्म की बॉडी लैंग्वेज दिखी इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश टीम की. कमेंडेबल परफॉर्मेंस है उनकी तरफ से, उसके हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट शाहनवाज राना साहब, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और फॉर्मर हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आलिया रशीद साहिबा. अस्सलाम वालेकुम आलिया जी एंड वेलकम टू द शो. जी बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. आलिया जी खैरियत से हैं आप ये कारकर्दगी देखकर? इसमें समझ नहीं आ रही रोया जाए या हंसा जाए. जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इतनी अजीब व गरीब हो गई है. स्टेज पे ले आए हम क्रिकेट के चाहने वालों को कि लोगों को समझ नहीं आती कि किसके ऊपर ट्रस्ट करें. क्या बाबर आजम खेल के ले जाएंगे, क्या शान मसूद शानदार परफॉर्मेंस देंगे, कुछ समझ नहीं आती, बहुत ही क्योस लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली इस पर हम बात करते हैं। इस वक्त सिचुएशन तो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब है। और लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँ, आपने अभी अपने इब्तदाइये में बारिश वाली बात की, मुझे ये बात बड़ी सख्त नापसंद है कि हम ये कहें कि अल्लाह मियां बारिश कर दे ताकि हम बच जाएं। हम ये क्यों नहीं करते कि हम अपने ऊपर काम करें, अपनी सलाहियतों को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और चैलेंजिंग सिचुएशंस में जाके हम इमर्ज हों। होना तो ये चाहिए ना, हर दफ़ा हम सिर्फ सजदे में जाके और अल्लाह से कुदरत का निज़ाम जो है उसके आगे खड़े होके तो नहीं हमें ऐसे करना चाहिए ना। सिस्टमेटिकली आपको गेम खेलना होता है, मगर अभी तक तो समझ में नहीं आ रही कि कोई गेम प्लान है, कोई स्ट्रेटजी है या कोई प्लान बी है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या है। आई एम सो सॉरी, मतलब जितने अच्छे तरीके से बांग्लादेश खेल रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि उनके बॉलर्स किस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, वो आपके बैटर्स को किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आपके बैटर्स वही गलतियां दोहराए जा रहे हैं जो मुसलसल हम इस पर बात करते आए हैं। मतलब सदियां गुजर गई हैं, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर आउट होना, बॉल को छोड़ना, खेलना, उसको जज करना, ये अभी तक पाकिस्तानी बैट्समैन जो है इस पर काम नहीं कर सके हैं। बिल्कुल ना, हमारे बैटर्स से फास्ट बॉलिंग खेली जा रही है, ना स्पिन बॉलिंग खेली जा रही है। बॉल नीचे बैठ जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉल ऊपर हो जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बैट जो है वो झूल रहा होता है, बाहर की बॉल आती है उसको शॉट लगाने की कोशिश कर देते हैं। शाहनवाज साहब, क्या किया जाए इन लड़कों के साथ? इनको से मशीन्स लगा के बोलें कि आप जिस तरह नेट्स में छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, वो करते रहें। पहले तो ये कि जैसे अभी आलिया भी कह रही थी, बात ये कि हमारी जो सुनता है हम उसी से बात कर सकते हैं ना जी। तो एक अल्लाह ही रह जाता है जो हमारी सुनता है या नहीं, कि हम सजदा रेज हो जाते हैं बहैसियत कौम। हाँ। कि अल्लाह पाक तू हमारी मदद करो, वो कर देता है। और आज भी देख लीजिए कि बहुत सारे लोग यकीनन सजदा रेज हुए होंगे और कुदरत ने उनकी सुन ली कि बड़े घने बादल जो थे वो इस वक्त नज़र आ रहे थे रावलपिंडी में। लेकिन ये कि जैसा उन्होंने कहा कि बात असल में ये है कि हमें सिर्फ दुआओं पर ही नहीं चलना चाहिए, बल्कि कुछ करके भी दिखाना चाहिए। दूसरा आपने कहा कि क्या इन लोगों का किया जाए, तो ये सवाल तो हमें बोर्ड से पूछना चाहिए कि उन्होंने इनके लिए क्या किया, ठीक है ना। वो जो एक अभी मेरा ख्याल है कि वो जो हमने गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसका तसलसल अभी तक नहीं टूटा है। हम उतनी ही बुरी क्रिकेट खेलते चले जा रहे हैं, फॉर्मेट बदले जा रहे हैं, हम बुरे पे बुरे होते जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी से कोई एहतिसाब ही नहीं करेंगे, किसी का कोई एहतिसाब ही नहीं होगा, तो फिर यही होगा। जब दिल से खौफ और डर निकल जाता है ना, तो फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो दूसरे के लिए आसान हो जाती हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। हमने देखा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस वक्त टीम के अंदर कि जिसने ये प्रेशर लेने की कोशिश की हो या अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की हो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, और आपने भी क्रिकेट को बहुत देखा भी है और इसको मतलब कवर भी किया है, हमारा मिजाज अब टेस्ट क्रिकेट वाला नहीं है। कौन सा मिजाज है हमारा? ओडीआई वाला भी नहीं है, टी20 था, ठीक है ना। आपको यूएसए हरा जाती है टी20 में, कौन सा रह गया हमारा मिजाज? लेकिन ये कि हमें आदत तो वही 20 ओवर और 4 ओवर कराने की है ना, ठीक है ना, वो उससे हम नहीं निकल पा रहे। हालांकि अब टेस्ट मैच का भी जो वो है ना मिजाज, वो बिल्कुल तब्दील हो गया है। यानी अब आप टेस्ट मैच में भी देखते हैं कि टीमें जो हैं वो 4.5 पौने 5 की एवरेज से स्कोर कर रही होती हैं, ठीक है ना। उसको एक इंटरेस्टिंग बनाया होता है, लोग देख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी भी वही मतलब वो है कि पता नहीं टेस्ट मैच को कोई हवा समझा हुआ है या कोई एक खौफनाक भला है कि जो शाहनवाज साहब ऐसी कारकर्दगी होगी तो हवा ही समझा हुआ है। आलिया जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह शाहनवाज साहब ने कहा डर नहीं है, खौफ नहीं, मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा डर है। हमारे लड़के इतना डरना शुरू हो गए। हाँ, बोर्ड से नहीं डरते, ये जो बॉल उनकी तरफ उड़ती हुई आ रही होती है उससे डरते हैं, या जिस वक्त बॉलिंग कर रहे होते हैं तो बैटर से डरते हैं। मतलब कल अगर मैं बात करूँ, कल इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। शान मसूद क्यों तब्दील हो के बाबर आजम की जगह है कि हाँ जी हमें पॉजिटिव क्रिकेट दिखने को मिलेगी, कुछ डिफरेंस होगा, मगर कल थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई कि कप्तान कौन है, क्योंकि एग्जैक्टली वही बाबर आजम वाली मिस्टेक शान मसूद करते हुए दिखे। 26 for 6 हो एक टीम और वहाँ से आप पूरी फील्ड खुली रख के और आप बैटर्स को कहें आएँ और सेट हो जाएं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह बैटिंग की लिटन दास ने और लिटन दास के क्रैम्प्ड लिटन दास और मेहदी मिराज ने हमें हिला के रख दिया। देखिए सवेरा जब आप घोड़े पर सवार होते हैं ना तो उसके लिए आपको बड़ा स्टेबल होना पड़ता है और हमारा जो अलमिया है वो बिल्कुल ऐसा ही है जो अभी शाहनवाज साहब कह रहे थे कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल ही हमने निकाल दिया अपनी किताब से, यानी कोई बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने में सवाए उनके जो T20 में बिल्कुल जिनको पिक नहीं किया जाता, अदरवाइज ये अब प्रोफेशनल क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आप बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, अगर से बांग्लादेश आपसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही है, रैंकिंग में भी ऊपर है, मगर हमें क्या हो गया है और हमें क्या करना है, ये बहुत संजीदा बात है। ये जो बीमारी है इसका इलाज बहुत लंबा है और इसके जख्म बहुत गहरे हैं, लेकिन उसके लिए जो अरबाब इख्तियार हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं या जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं बुनियादी तौर पे, उनको इस चीज़ को समझना होगा। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात है, आपने 50 लाख रुपए महाना पे मेंटोर्स रखी हैं चैंपियंस कप के लिए। ये तो जो भी चेयरमैन आता है ना वो तो ज़ाहिर है गैलरी के लिए खेलना होता है, पब्लिक आई में अपना इमेज बनाना होता है, फाइन वो डिजर्व करते हैं, मतलब ठीक है उनका राइट भी है, तो उससे शायद हमें कोई अच्छे प्लेयर्स भी मिल जाएं। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि जब आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है, आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, आपकी पिचें ऐसी हैं, आपकी बॉल्स ऐसी हैं, आपका ग्राउंड प्रॉपर नहीं है, उस पर जो आप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस क्रिकेट को जो इम्प्रूव करना चाहिए उस पर कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, अभी हमने देखा खुर्रम शहजाद देखें डोमेस्टिक में वो टॉप विकेट टेकर रहे थे, उन्होंने विकेटें ली, उन्होंने प्रूव भी किया। अब जैसे आप कल की अभी बात कर रही थी, बहुत दिल दुखा, वाकई सच्ची बात है कि बहुत दिल दुखा कि आपने 6 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं 26 पे और उसके बाद आपने कोई प्रेशर ही आप नहीं डाल सके। अब एक तो अलमिया का हमें नजर आ रहा है वो फिटनेस का है, जैसे आपने मोहम्मद अली को भी देखा कि उनके साथ इशू हुआ। दूसरा ये है कि जब पेस नहीं होती तो आपको पता है रिवर्स नहीं होती, अब यॉर्कर नहीं लगते, कमर नहीं लगती, फिटनेस के इश्यूज जो हैं वो इतने गंभीर हैं। फिर मैं कहती हूँ कि हमारे अबरार भाई जो हैं इन्होंने बहुत मायूस किया मुझे, चूंकि मैं उस वक्त क्रिकेट बोर्ड में भी थी, बहुत सारी उनकी ऐसी रिपोर्ट्स मेरे पास आई थी जिसको मैंने देखी थी, जिसमें बताया गया था कि वो अपनी फिटनेस पे काम नहीं करते और वो नहीं कर रहे थे, ना वो वर्ल्ड कप पे भी वहाँ बैठे रहे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप में भी बैठे रहे और वो खेलना ही नहीं चाह रहे थे टेस्ट मैचेस। जो मुझे फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ में आपको बता सकती हूँ वो ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाह रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे, उनको कुछ साइकोलॉजिकल था प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये कह रही हूँ अच्छा चले ठीक है भाई आपकी फिटनेस नहीं थी कोई बात नहीं, चले बाहर था आपको लगा ऑस्ट्रेलिया में मार पड़ सकती है, सब कुछ है, लेकिन इतना तो स्किल आपकी पॉलिश करो ना कि आपने ऑलरेडी 38 विकेटें ली हुई हैं 6 टेस्ट मैचेस में, आपका एक नाम है, आप कम से कम अपने ऊपर तो काम करो कि अगर आपको कंडीशन नहीं भी फेवर कर रही तो आपने अपने आर्ट से कैसे फंसाना है बैट्समैन को। ठीक है, अब ना वो नजर आता है ना वो प्रेशर डालना शान मसूद की तरफ से नजर आया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बाबर आजम को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन देखें सवेरा जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं ना, जो अलमिया है पाकिस्तान का, हर बंदा जॉब पे आने के बाद सीखता है कि उसको क्या करना है। मुझे मिसबाह उल हक का एक जुमला बड़ा अच्छा याद है कि वो कहते थे, उन्होंने कहा कि जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया और टीवी पे मैंने मैचेस अपने देखे तब मुझे पता लगा कि अच्छा क्रिकेट क्या होती है असल में, इंटरनेशनल क्रिकेट किसको कहते हैं। यानी इतने सालों से वो रन के ढेर लगा रहे थे डोमेस्टिक में, वो कहते हैं कि मुझे, यानी मैं एक प्लेयर की जुबानी आपको बता रही हूँ, तो वो कहते हैं मुझे तो बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं था। तो है क्या कि वो जो नीचे की क्रिकेट है उसको जब तक आप उसका लेवल हाई नहीं करेंगे और प्रोफेशनलिज्म आप नहीं लेके आएंगे अपने लड़कों में। अगर आप डरने की बात करेंगे, क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं डरता, क्रिकेट बोर्ड प्लेयर से डरता है। ठीक है, और क्रिकेट बोर्ड जब तक प्लेयर से डरता रहेगा और अपनी पीआर बनाता रहेगा, वहाँ बैठे हुए लोग जो हैं वो इन प्लेयर्स को अपनी जाती पीआर के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में पार्टियों में बुलाते हैं, सालगिरहों पे बुलाते हैं, तो वो क्या खास इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो वहाँ कोई आदमी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और जो वहाँ मैं तो साफ कहती हूँ कि जो क्रिकेट बोर्ड में क्योस है वो क्योस बिल्कुल आपको रेप्लिका नजर आता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, तो आप किससे जाके फरियाद करें।